हेलो जी, नमस्ते। देसी चूल्हा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही नई रेसिपी जिसका नाम है चीज़ी पोटैटो ट्रायंगल्स, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी और इसे हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे हम स्नैक्स में या फिर स्टार्टर में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चीज़ी पोटैटो ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 10 आलू लिए हैं, जिसको मैंने उबाल लिए हैं और मैश कर लिए। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, 1 बड़े चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरी धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, धनिया पाउडर 1 बड़े चम्मच, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, भुने जीरे का पाउडर 1 चम्मच, नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार, कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने यहाँ 3 बड़े चम्मच। बाइंडिंग के लिए आप इसकी जगह पे ब्रेड क्रम्स या फिर आरा रूट भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम एक ट्रे लेंगे, ट्रे की जगह आप थाली का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मेक बटर पेपर लगा देंगे, उसके बाद अपने हम मिक्सचर को इस पर स्प्रेड कर देंगे। इसे अच्छी तरीके से हमें स्प्रेड कर देना है। अब इसके ऊपर हम एक और बटर पेपर लगाएंगे और किसी चीज़ की सहायता से आप इसे थोड़ा प्रेस करते हुए हल्का हल्का हम सेट कर लेते हैं, ताकि इसका एक लेवल मेंटेन हो जाए। अब इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं, इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। मिक्सचर हमारा सेट हो चुका है, इसके ऊपर की शीट हम निकाल देते हैं। अब इसे हम बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे एक चाकू की हेल्प से। अब इसके एक साइड में हम मोज़रेला चीज़, जो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, लगा देते हैं। पूरी एक साइड कवर हो जानी चाहिए, तभी ये चीज़ी बनेगा। अब हम इसके दूसरे साइड को उठाएंगे और चीज़ वाली साइड पे रख देंगे बराबर से। बिल्कुल ये सेट हो जाना चाहिए अच्छे से, और इसका हम पेपर निकाल देंगे। अब एक बटर पेपर लेकर और हम इस पर रखेंगे, फिर बेलन की हेल्प से इसे हम थोड़ा बेल देंगे अच्छे से। थोड़ा पतला हो जाएगा ये और दोनों साइड बराबर हो जाएगा। अब इसे हम बीच में 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप इसे 3 पार्ट में भी कर सकते हैं डिवाइड, तो ट्रायंगल हमारे छोटे बनेंगे थोड़े। ट्रायंगल के शेप में इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम एक स्लरी बनाएंगे, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है, आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे और पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने इसमें, और इसे हम एक रनिंग बैटर तैयार करेंगे। इससे बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम एक ट्रायंगल लेंगे और उसे हम स्लरी में डिप करेंगे, अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स हमने ब्रेड को टोस्ट करके उसके बाद हमने ग्राइंड कर लिया है, तो हमारा ब्रेड क्रम्स तैयार हो गया। अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए। कढ़ाई हमने गर्म होने रख दी है। अब हम इसमें अपने ट्रायंगल्स को डीप फ्राई करेंगे। आप इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, फ्लेम हमारी लो टू मीडियम रहेगी, बहुत हाई फ्लेम पे हम नहीं फ्राई करेंगे इसे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
और एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 3 से 4 जितनी स्पेस हो कढ़ाई में उतनी ही डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही चीज़ी होते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो लीजिए, हमारे क्रिस्पी चीज़ी पोटैटो रेंगल्स बनके तैयार हो गए हैं। आप भी इसे अपने घर में ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी थी। थैंक यू।